हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, न्यू वैकेंसी आई CCL की, सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी आई है। तो चलिए हम देखते हैं इस वैकेंसी में क्या कहा गया है, कब तक फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और कितने टाइप की पोस्ट यहां पर आई है। तो सभी को डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया जॉब है, कोई भी अपने अप्लाई कर सकता है, बट इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, न्यू वैकेंसी है 2023 की है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज हम देखिए ना, चार तरह की पोस्ट है ना, चार तरह की इसमें पोस्ट दी गई है ना। सबसे पहला पोस्ट है माइनिंग सिरदार का। माइनिंग सिरदार का जो पोस्ट है वो लगभग है 77 पोस्ट है। माइनिंग सिरदार का है 77 पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है वो 330 है। ठीक है, 330 है। तो हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे। ठीक है, माइनिंग सरदार में ओबीसी के लिए 5 है। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 14 है और एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर 58 है, एसटी कैटेगरी के लिए। और टोटल जो वैकेंसी है माइनिंग सरदार के लिए 77 है। ठीक है, और एक चीज देखिए, इसकी सैलरी जो होगी माइनिंग सरदार का 31,852 मीन 31,852 सैलरी होगी रुपीस। ठीक है, उसके बाद इसकी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो अगर आप मैट्रिक हैं, ठीक है, और माइनिंग में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनिंग सेक्टर में आप कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको माइनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या और में है, और में 3 ईयर अगर डिप्लोमा अगर माइनिंग में किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपका वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, और इसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें ओबीसी में 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 29 है और एसटी कैटेगरी के लिए है आपका 94 है। ठीक है, और टोटल है 126 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपको जो सैलरी होगी 1087 रुपीज होगा आपकी सैलरी, पर डे के हिसाब से मिलेगा। ये एक दिन अगर काम करोगे तो इतना, दो दिन करोगे तो मल्टीप्लाई इस तरह से होते जाएगा, हर एक दिन का ही सैलरी है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन बोली गई है, मैट्रिक आपको होना चाहिए विद ITI, मैट्रिक के साथ आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग आप किए हुए होंगे ना, वो एक्ट 1961 एक्ट से वैलिड होना चाहिए, 1961 एक्ट से वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पोस्ट है डिप्टी सर्वेयर का है। डिप्टी सर्वेयर का पोस्ट है, इसमें सिर्फ एसटी के लिए वैकेंसी है, 20 वैकेंसी। ठीक है, और जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें, मैट्रिक होना चाहिए आपको और माइनिंग में आपका सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक के साथ माइनिंग में सर्वे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और वैकेंसी है, इसमें पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है ना, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इसमें आपका ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 23 है और एसटी के लिए 77 है और टोटल इसमें वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन में 107। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी देखिए, अगर हम बात करें ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 66 है और एसटी के लिए 249 है। ठीक है, और टोटल 330 वैकेंसी है। ठीक है, और असिस्टेंट फोरमैन का जो क्वालिफिकेशन मांगा है, मैट्रिक आप होंगे किए हुए है ना, मैट्रिक के साथ 3 साल का डिप्लोमा आप अलग इलेक्ट्रिकल में किए हुए हैं, 3 साल का अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ इन दोनों की मैंने सैलरी नहीं बताया, इसकी भी सैलरी होगी 31,852, और इसकी भी सैलरी सेम है 31,852, ठीक है, सेम है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा कि एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज है एज 35 इयर्स है एसटी एससी के लिए और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 है 33, 200 फीस लग रहा है ना, 200 फीस लगेगा आपको, है ना, ओबीसी के लिए और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बट आपका जो अगर एसटी एससी का जो भी मूल प्रमाण पत्र होता है उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरने के समय, ठीक है। इसके साथ हम एक और चीज देखते हैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न भी दिया हुआ है, एग्जाम होगा आपको 5 मई को एग्जाम होगा, 5 मई को एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, आपको रांची जमशेदपुर धनबाद और हजारीबाग चार ही सेंटर है, अगर कोई भी अप्लाई करता है यूपी से हरियाणा से या कहीं से भी तो आपको झारखंड आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, है ना, एक तो रांची में हो सकता है, जमशेदपुर में हो सकता है, धनबाद में चाहे हजारीबाग में, ठीक है। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तो इसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, मिनिमम मार्क्स अगर आप नहीं लाए तो आप फेल घोषित हो जाइएगा, ठीक है। तो एसटी एससी को 30 मार्क्स 100 में लाना ही लाना है, ठीक है, ओबीसी को आपको 36 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं 30 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 30/3/2023 में 30 मार्च से अप्लाई हो रहा है, 19 मार्च तक अप्लाई करना है, ठीक है। आपका जब फॉर्म भर लेंगे तो एडमिट कार्ड आपका आएगा 30 तारीख को, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 30 अप्रैल को, ठीक है, और 30 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड आपका 4 मई के बीच में है ना, 30 अप्रैल से 4 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 29 मई को आ जाएगा, 29 मई को फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास अदर क्वालिफिकेशन भी है तो भी वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वह लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और इसका सिलेबस आपको टेक्निकल सिलेबस होगा, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा है ना उसी बेस पे आपका यहाँ पर सिलेबस है। माइनिंग सिरदार के लिए अलग सिलेबस होगा माइनिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन का आपका इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, डिप्टी सर्वेयर का तो इससे डिप्टी सर्वेयर से रिलेटेड, और असिस्टेंट फोरमैन का तो इससे रिलेटेड आपका सिलेबस है। तो सिलेबस यहाँ पीडीएफ है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।